हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डोरा केक्स। तो स्वागत है आपका माधवीज किचन में। आज हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट डोरा केक्स बहुत ही आसान से स्टेप्स में और बहुत ही कम सामग्री को यूज़ करके। तो अगर बच्चों को केक खाने का मन करे तो झटपट 10 मिनट के अंदर आप डिलीशियस डोरा केक्स बना सकते हैं। और इसके लिए कोई स्पेशल सामग्री नहीं चाहिए, घर में पड़ी हुई बहुत ही कॉमन सी चीज़ों से ये डोरा केक्स आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और सुपर सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं। तो आइए झटपट स्टार्ट करते हैं बनाना ये डिलीशियस डोरा केक्स। तो डोरा केक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर में मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप और 1/4 कप मैदा। आप यहाँ मैदा की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, ये करीब 4 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें डाला है, और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हम जो यूज़ करेंगे वो बिना फ्लेवर का हम यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर हम डालेंगे और 1 कप दूध हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ मैंने पहले 1/2 कप दूध डाला है, उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड करते जाएंगे ताकि जो ये बैटर हमारा बने वो स्मूथ बने और उसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। मैंने यहाँ कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर से कलर और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छे आते हैं। सारी चीज़ों को हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बैटर हमारा ठीक है, तो इसमें हम और मिल्क डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा बैटर है बिल्कुल स्मूथ और लाइट बनेगा और हमारी जो डोरा केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर रेडी हो गया है। जब मैं बैटर को गिरा रही हूँ तो ये रिबन के जैसा गिर रहा है। तो ये हमारा बैटर रेडी है, बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। ये देखिए मैं इस तरह का एक स्पून ले रही हूँ ताकि जो हमारे सारे पैनकेक्स है वो एक ही साइज़ के बने। मैंने यहाँ एक तवा हीट करने के लिए रखा है, आप चाहें तो इसकी जगह नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तवा गर्म हो जाने के बाद हम फ्लेम को लो पर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम ये पैनकेक्स बनाएंगे। इसे हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, हमें बार बार ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार हम शुरू में ग्रीस करेंगे और इस पर हम बैटर डालेंगे स्पून से। अगर आपका तवा बड़ा है तो आप एक साथ इस पर 3-4 पैनकेक भी बना सकते हैं। और बैटर को हमें एक ही जगह पर ड्रॉप करना है, बैटर अपने आप फैल कर राउंड शेप ले लेगा। जितना बड़ा आपको डोरा केक बनाना है उस साइज़ का आप स्पून ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर के ऊपर इस तरह से बबल्स आने लगे हैं। एक साइड हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम पैनकेक को पलट देंगे। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, इससे क्या होगा जो हमारा पैनकेक्स है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। हाई फ्लेम रहने से केक बाहर से तो अच्छी तरह पक जाएंगे बट अंदर से नहीं पक पाएंगे, अंदर से अच्छी तरह कुक नहीं होंगे, इसलिए हमें लो फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है। दूसरी साइड में जब अच्छी तरह पैनकेक कुक हो जाए तो हम इन्हें निकाल देंगे। ये देखिए पैनकेक हमारा रेडी है, इसे हम निकाल कर प्लेट में रखेंगे। पैनकेक्स को पकने में करीब 3 से 4 मिनट लगते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी पैनकेक हमारा बना है, अच्छी तरह से पक चुका है ये पैनकेक। इसी तरीके से हम दूसरे पैनकेक्स भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैं बैटर को एक ही जगह पे ड्रॉप कर रही हूँ, वो अपने आप फैल कर राउंड शेप ले ले। ये देखिए इस तरह से एक ही जगह पर हम बैटर डालेंगे, स्पून को ज़्यादा इधर उधर घुमाएंगे नहीं। इससे क्या होगा जो हमारा पैनकेक है वो अच्छा राउंड शेप का बनेगा और सारे पैनकेक्स हमारे सेम साइज़ के बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर भी बबल्स आना शुरू हो गए हैं। ये एक साइड पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे हम फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड पर भी इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये आप देख सकते हैं पैनकेक दूसरी साइड में भी अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। तो ये हमारे पैनकेक भी बनकर रेडी हैं, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे पैनकेक्स बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही आसान है, 10 मिनट के अंदर आप ये पैनकेक्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल पैनकेक्स बने हैं। बैटर में लगभग 12 पैनकेक बनकर रेडी हो जाते हैं।
मैंने यहाँ पर 12 पैनकेक बनाकर रेडी किए हैं। तो ये देखिए सारे पैनकेक्स बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी पैनकेक बने हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह पके हैं। तो आप इन्हें इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं या आप इसमें थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से दो सेम साइज के पैनकेक्स ले रही हूँ। पैनकेक के एक साइड पे हम लगाएंगे चॉकलेट स्प्रेड। ये चॉकलेट स्प्रेड सभी जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसे हम इस तरह से पैनकेक के ऊपर लगाएंगे और इसे दूसरे पैनकेक से इस तरह से कवर कर देंगे। तो इस तरह से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चों को ये और ज़्यादा पसंद आता है। तो ये हमारा एक डोरा केक रेडी हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट स्पंजी डोरा केक बनकर रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। इस तरह से हम और भी पैनकेक्स में चॉकलेट स्प्रेड लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारे डोरा केक्स रेडी हैं, बहुत ही डिलीशियस डोरा केक्स बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और यमी डोरा केक्स हैं। आपको एक डोरा केक मैं कट करके दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। ये देखिए काफी सॉफ्ट डोरा केक हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए इसके अंदर का आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल स्पंजी टेक्सचर है और बहुत ही सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस डोरा केक्स बनकर रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़ों को भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट देकर ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।